ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आने वाले दिनों में दिखेंगी और ये मेजर चेंजेस ज़्यादातर आ रही हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा को लेके। ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा डायरेक्ट यहाँ से जो लोग जाते हैं पीआर के बेसिस पे उनके लिए भी अप्लाई होता है और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के बाद अप्लाई करना चाहते हैं ये उनके लिए भी अप्लाई होता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होती है। हम अक्सर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चे चले जाते हैं बट पीआर में उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। शानदार कंट्री है इसलिए हर कोई जाना चाहता है, उस स्ट्रगल को भी करने से वो गुरेज नहीं करता। बट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है कि वो उन्होंने खुद ये माना है कि हमारा जो सिस्टम है वो कई जगह पे हमें रोकता है, हमारे पास स्किल्ड वर्कर ज़्यादा नहीं रुक पाते या ज़्यादा नहीं आ पाते और ये माइग्रेशन इफ़ेक्ट को भी रोकता है, हमारी लेबर इफ़ेक्ट के कारण फिर हमारे बिजनेसिस इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस चेन को कहीं ना कहीं उन्होंने समझा है और उनका ये भी कहना है कि ये सालों पुराना सिस्टम है जो आज की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करने दे रहा। तो आने वाले दिनों में अब ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे पीआर सिस्टम को, माइग्रेशन सिस्टम को, स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी को, इन सब को रीवैम्प करने वाला है। दोबारा नए रूल्स आएंगे, प्रेजेंट वाला जो है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आगे आने वाला सिस्टम पॉइंट बेस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट विल डिपेंड। और ये कौन से नए रूल्स होंगे, कब तक आएंगे, इसके बारे में अभी कोई कमिटमेंट उन्होंने नहीं दी बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये चेंजेस आ सकती हैं और आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया और इजी हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए टू गेट सेटलमेंट्स ओवर देयर। ये एक अच्छी खबर होगी, अच्छी गुड न्यूज़ होगी उनके लिए भी जो वहाँ पर हैं और उनके लिए भी डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया जाने की सोचते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया जाने का जो आगे का सफ़र है वो निश्चिंत होकर करें क्योंकि एक प्रॉब्लम वेस्ट में लगातार है जिसको ऑस्ट्रेलिया ने भी इस न्यूज़ में हाईलाइट किया, दैट इज़ एजिंग। उनके लोकल लोग एज्ड होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, नई जनरेशन उतनी नहीं आ रही हैं बिकॉज लोग यहाँ फैमिली सिस्टम में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं और वो फैमिलीज आगे नहीं बढ़ा रहे। तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अब वेस्ट कंट्रीज को तंग करने लगा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इस तंगी से अब जूझने लगा है। तो डेफिनेटली जो आने वाला समय है वो बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है सबके लिए। सो निश्चिंत और बेफिक्र होकर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें और बिल्कुल समा ना गवाएं। ब्रॉडवे से अप्लाई करते हैं तो आप पूरा केस पैकेज में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। आज के लिए इतना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर एवरी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।